एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिविंग लाइफ इज सिंपल। सो आज हमारा नेक्स्ट ब्लॉग है, और जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा कि गप्पू के पैर में चोट लग गई थी, तो आज मंडे था और वो स्कूल नहीं गया, और उसको बहुत मुश्किल से मैंने इस चीज़ के लिए मनाया कि बेटा तेरे पैर में चोट लगी हुई है, तू वहाँ पर जाएगा चलेगा वहाँ पर और दर्द हो जाएगी तेरे, तो बहुत मुश्किल से वो छुट्टी करने के लिए माना है, नहीं तो वो छुट्टी ही नहीं कर रहा है स्कूल में जब से आया। तो आज उसकी मैंने छुट्टी करवा दी है। अब कल उसका कंपटीशन है, तो कल तक अगर उसका दर्द ठीक हो गया तो वो स्कूल जाएगा। तो अभी वो पूरे घर में बताता फिर रहा है कि मेरे चोट लग गई है, इसलिए मैंने छुट्टी कर रखी है। तो बस अब ब्रेकफास्ट बनाते हैं। आज तो मेरा फास्ट है, पर मैं सोच रही हूँ कि फास्ट ना रखूँ, क्योंकि मैंने ना मंडे के जो मेरे फास्ट चल रहे हैं वो खुले वाले फास्ट जोन से होते हैं ना, मतलब कि आप बीच में स्किप भी कर सकते हो, तो मेरे वो वाले फास्ट है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज वाला फास्ट जो है वो मैं स्किप कर दूँ, और मेरे हस्बैंड का पता नहीं अगर उन्होंने भी स्किप करना होगा तो। छुट्टी कर ली है और अब देख लो इसका डांस चल रहा है। बेटे आपके तो पैरों में दर्द हो रहा था, ये माँ का पजामा गले में पाके डांस चल रहा है। आपने छुट्टी की, आपके पैर में दर्द नहीं हो रहा है बेटे? पैर में दर्द नहीं हो रहा? सुंदर सा लिखो। तो आज गप्पू जो है स्कूल नहीं गया, पर मैंने उसका घर पर ही स्कूल बनाया है सुंदर सुंदर बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट कोई और गेम करो। नहीं नहीं कोई और गेम नहीं, जल्दी जल्दी करो कंप्लीट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा? गन। यहाँ पे क्या आएगा? ई एफ जी जी एच। आई। यहाँ पर जे। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं लंच में बना लूँ आज कोफ्ते। घिया पड़ी है, बेसन पड़ा है, तो मैंने कहा चलो आज कोफ्ते बना लेते हैं। तो आज कोफ्ते बनेंगे, हाँ, बी डब्ल्यू एक्स। तो छुट्टी करवा ली इसकी मैंने, पर आफत ले ली घर पे, इतना परेशान कर रहा है ना अब ये मुझे, मतलब दर्द के मारे नहीं छेड़खानियों में परेशान कर रहा है दर्द के। ये देखो 10 बारी तो आपके सामने बुला चुका। हाँ बेटा, एक्स एक्स मिस्ट्री, वाई नहीं बनाना आपने, वाई बना दिया, एक्स मिस्ट्री बनाओ। तो आपके सामने देखो इसने 10 बारी परेशान कर दिया। बस आप कोफ्ते बनाऊंगी, उसकी रेसिपी जो है वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देखना। और बस अभी तैयारियाँ शुरू। ने लिखा है अपनी रफ नोटबुक में ए से लेकर जी तक, और अब ये लिखेगा काउंटिंग। तो ये मैंने बना रही हूँ कोफ्ते, इसका मैंने शॉर्ट्स डाल दिया, आप शॉर्ट्स में देख लेना। और ये मैं खा रही हूँ दही के साथ। तो कल है गप्पू की एक्टिविटी समर सीज़न पे, तो मैंने इसके लिए ये फाइल तैयार की है, और कुछ इसमें अंदर लाइंस लिखी है समर सीज़न के लिए। तो बस ये लाइंस बोल देगा, इसको लर्न करवा दिया, और लास्ट में ऐसे मैंने थैंक यू लिख दिया। ये इसमें थोड़ा सा यहाँ से काट दिया, तो मैंने टेप लगा दी। मींग माय ने सन माय क्लास इज पी एजेस में माय टॉपिक की समसीरन समसीजन दांजिस इप्रिन माय जून समसीजन कांदिस अप्रैल इप्रिन माय जून सन इज हॉट बिडू हरी हो सन इज हॉट बिडू फनी पू डिक्लोसलोटर एंजूसिस वीरिफर ईट वाटरमेलन मैंगो मस्कमेलन आई लव समन्स थैंक यू। और ये यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ गप्पू को उठाने के लिए कि बेटा उठ जा, कुछ खा ले पी ले। और उसके पैर में सॉक्स पहन रखी उसने, क्योंकि मैंने उसके पैर में दर्द हो रहा था तो मैंने वॉलिन स्प्रे कर रखी थी। और बस मेरी कोशिश हो रखी है कि उसको मैं उठा दूँ, नहीं तो फिर वो रात को लेट उठेगा। उठ गए हो? गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग। आईज ओपन कर लो। अब तो नहीं पेन हो रही? पेन हो रही है बेटी? हाँ पेन हो रही है चोना? नहीं ठीक है अब। और ये मैंने इसके लिए फ्रेंच फ्राइज बना लिए, ये बिना सॉस वगैरह कुछ नहीं लेता, ऐसे ही लेता है बस सिंपल से। वो खा रहा अपने फ्रेंच फ्राइज और देख रहा साथ में टीवी। फिर हम गए धोबी के पास कपड़े प्रेस कराने के लिए, और धोबी के पास जो डॉग्स है, स्ट्रीट डॉग्स, वहाँ पर खाना खा रहे थे वो उस वक्त। गप्पू जब छोटा था ना तो बहुत गोलू मोलू सा था, इसलिए मैंने इसका नाम ना गप्पू रख दिया। और अब इसको देखो कहीं से ये गप्पू रहा नहीं है। ये बोलते जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो वो अपनी हाइट वगैरह निकालते हैं तो अपने आप पतले हो जाते हैं, तो ये इसके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ है। जब ये बचपन में जब छोटा था, जब ये हुआ था तो बहुत गोलू मोलू बच्चा था, मतलब 3.5 किलो का था ये, और इतना गोलू मोलू था ना, मेरे पास पिक्स नहीं है इस फ़ोन में, दूसरे वाले फ़ोन में, और वो एकदम डेड पड़ा है। तो कभी मैंने उसको चार्ज किया ना तो मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊंगी उसकी, इतना गोलू मोलू था रहा ये बच्चा, बिल्कुल गोल मटोल मम्मा जैसे थे यार, है ना। और अब आप किसके जैसे लगते हो? मम्मा के जैसे। अभी भी मम्मा जैसे लगते? देखो मम्मा जैसे लग रही है? नहीं मम्मा तो गोलू मोलू है, और ये पोलू पोलू है। तो जी इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू।